साथियों क्या आप यूपीएसआई 2020 अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो हम लेकर आए हैं आपके लिए निश्चय यूपीएसआई 2020 बैच इसके लिए डाउनलोड कीजिए हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप या फोन कीजिए हमें निम्नलिखित नंबरों पर हेलो स्टूडेंट्स हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ तो गुड आफ्टरनून वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को आप सभी का आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी आपका मंगलमय हो शुभ हो तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है एक बार जल्दी से आ जाइए हाँ जी क्लास स्टार्ट हो चुके एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी क्लास में लाइव आ सकें जैसा कि आप लोगों को पता है हम प्लॉटर तक मतलब हमने प्रिंटर कर लिया था हमने इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कर लिए थे हमने बहुत आउटपुट डिवाइस भी कंप्लीट कर ली थी बस थोड़ी सी आउटपुट डिवाइस रह रही है हमने कहाँ भी छोड़ा था प्रोजेक्टर पर तो यहीं से स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टर प्लॉटर हेडफोन और हमारा स्पीकर ये हमारे टॉपिक रह चुके हैं और इसके बाद आज हम क्वेश्चन को भी करने वाले हैं ठीक है तो क्वेश्चन यहाँ पर कम होंगे

प्रोजेक्टर का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नाम किया आ, मतलब होमवर्क किया था और कुछ का सही भी था और कुछ ने थोड़ा आ, मतलब कंफ्यूज हो गए थे ऑप्शन में तो यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्टर के हाँ जी गुड आफ्टरनून ठीक है देखो अगर मैं बताऊं यहां पे तो जो प्रोजेक्टर के रियल इन्वेंटर जिसको बोला जाता है क्या नाम था उनका इयर्ड वियर्ड म्यू ब्रिज क्या नाम था इयर्ड वियर्ड इनका नाम था इयर्ड वियर्ड म्यू ब्रिज ठीक है ये इनका क्या था ये इनका नाम था इन्होंने क्या किया था इन्होंने ही इन्वेंशन किया था प्रोजेक्टर का इन्होंने क्या किया था तो इन्होंने ही इन्वेंशन किया था प्रोजेक्टर का ओके भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है हाँ जी बिल्कुल ठीक है गेमिंग विद अकी जी कब हुआ था तो बिल्कुल 1879 में लेकिन तब उसका नाम कब हुआ था एटीन में लेकिन तब उसका नाम प्रोजेक्टर नहीं था उसका नाम रखा गया था जू प्रैक्सी उसका नाम रखा गया था जू प्रैक्सी तब इसका नाम प्रोजेक्टर ना रखकर इसका नाम रखा गया था जू प्रैक्सी स्कोप ठीक है वैसे ये इतना जरूरी नहीं है बट हाँ पता होना चाहिए तो क्या नाम रखा गया था जू प्रैक्सी जू प्रैक्सी स्कोप जू प्रेक् ठीक है इसका नाम तब ये था लेकिन आगे चल के इसका ही नाम हमने क्या रख दिया प्रोजेक्टर रख दिया और काम क्या करता है तो ये काम करता है एज अ आउटपुट डिवाइस अच्छा ये आउटपुट डिवाइस कैसे काम करता है क्योंकि इसके अंदर क्या होती है इसके अंदर हम रील वगैरह कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं अब ये अपनी रोशनी के द्वारा अपनी लाइट के द्वारा उसको स्क्रीन पर दिखाता है ठीक है हाँ जी भयंकर नाम है इसको आप याद रख सकते हो देखो इयर्ड वियर्ड दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना वियर्ड का मतलब अजीब होता है वैसे इंग्लिश में तो इयर्ड वियर्ड ऐसे आप याद कर लेना अगर थोड़ा सा अजीब लगता है और फिर लिखा है Bridge. तो ब्रिज ब्रिज तो पे चढ़ गए मतलब ऐसे मान लो कि इन्होंने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया प्रोजेक्टर से मूवी देखते हैं और मूवी में हमने ब्रिज का इस्तेमाल किया था तो ब्रिज वाले सीन का शूटिंग करते करते ये खुद भी ब्रिज पर चढ़ गए ठीक है तो इयर्ड वियर्ड ब्रिज इन्होंने नाइनटीन इन्होंने एटीन में क्या करा था तो प्रोजेक्टर का किया था अब मैं यहां पे थोड़ा क्लियर कर देती हूं अच्छा, दो मिनट में लेट क्यों आई हूं ओ, अच्छा, चलो, कोई बात नहीं। भाई ट्रेन लेट हो जाती यात्रियों को आना होता है लगाएं देखो यहां तो, <coughs> कि कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर कर रखा था जॉन लॉगल बेड कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर कर रखा था जॉन जॉन लॉगल जॉन लॉगल

ओके okay. ये दोनों अलग अलग नहीं है ये दोनों एक ही हैं ठीक है ये इनका सरनेम है ईयर्ड वियर्ड और म्यू ब्रिज ये एक ही बंदा है ठीक है ये एक ही पर्सन है और ये इनका सरनेम है क्लियर चलो आगे चलते हैं <coughs> प्रोजेक्टर के आगे आप चलोगे तो यहां पर नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट डिवाइस प्लॉटर ठीक है तो प्लॉटर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि मतलब लो इनका सत्तर काम एक जैसा ही होता है। अलग कहां पे, तो पे कंप्यूटर से उठाकर उसने आपको प्रिंट करके दे दिया भाई ऐसा ही तो करता है काम प्रिंटर प्रिंटर क्या करेगा आपके कंप्यूटर में कोई पीडीएफ आपने डाउनलोड कर रखी थी अब आप क्या करते हो इसका प्रिंट मांगते हो प्रिंट मांगते हो इसका कंट्रोल प्लस पी करते हो तो ये क्या करेगा प्रिंटर आपकी कमांड को ही प्रिंट करके दे देगा यही काम होता है प्रिंटर का लेकिन प्लॉटर में एक पेन लगा होता है यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें ये पेन लगा हुआ है, तो प्लॉटर में एक पेन होता है वो खुद डिजाइन करता है तो प्लॉटर मेनली सिर्फ प्रिंट करने का काम नहीं करता ये ग्राफिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है किसके लिए होता है तो प्लॉटर आपका ग्राफिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है अब आप कहोगे कि मैम ग्राफिक्स बनाने की क्या जरूरत है जब हम प्रिंट कर सकते हैं तो हमको क्या जरूरत पड़ गई कि हम ग्राफिक्स बनाए तो जो ग्राफिक्स होती है ना या जो हम बनाते हैं जो ये पेन से अपने आप बना रहा है वो बिल्कुल रियल होता है बिल्कुल रियल की तरह लगता है और यहां पे क्लियरिटी बहुत ही अच्छी होती है तो जैसे सपोज करो कि हमने कोई ग्राफ़िक हमने किसी का नक्शा ठीक है कोई पार्लियामेंट का नक्शा या कोई मंदिर बना रहे हैं उसका नक्शा हमने कंप्यूटर के अंदर सेव कर रखा है अब हम चाहते हैं कि बहु वैसा ही नक्शा एक कागज पर उतर कर आ जाए तो अगर हम प्रिंटर की मदद लेंगे वो तो डायरेक्टली लेजर प्रिंट करके दे देगा ठीक है लेकिन अगर हम लेते हैं यहां पर प्लॉटर की मदद तो प्लॉटर खुद से अपने पेन से उसको प्रिंट करना शुरू करता है और जरूरी नहीं कि प्लॉटर सिर्फ काले और जो सफेद है मतलब ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट करे उसके अंदर कलर भी होते हैं रंग भी होते हैं तो वो रंगीन चीजों को भी प्रिंट कर सकता है ठीक है हाँ जी क्या होगा वो ओके तो वो क्या हो जाता है वो आपका होता है प्लॉटर क्या कहलाता है प्लॉटर अच्छा प्लॉटर का इन्वेंशन किसने किया था प्लॉटर को इन्वेंट करने वाली कौन सी व्यक्ति थी बताएगा कोई यहाँ पे प्लॉटर इन्वेंटेड बाय किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था तो प्लॉटर के आविष्कारक कौन थे प्लॉटर के आविष्कारक कौन थे प्लॉटर को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था हां जी हाई क्वालिटी यहां पर आपको आउटपुट मिलती है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ठीक है बिल्कुल क्लीननेस के साथ देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो आप अगर फोटो क्लिक करवाने चाहते हो ये एक एग्जाम्पल समझाती हूं अगर आप फोटो क्लिक करवाने चाहते हो तो एक तो ऑप्शन है कि भाई आप डिजिटल फोटो क्लिक करवाओ आपको मिल जाएगा कैमरे से फोटो खींची आपको वो आउटपुट आप दे दिया दूसरा तरीका होता है आपका स्केच बनाते हैं देखा है ना आपने बहुत सारे लोग अगर कहीं पार्क वगैरह में जाते हैं या कहीं मंदिर में जाते हैं कहीं पे भी तो वहां पे स्केच बनाने वाले भी लोग होते हैं ना तो वो क्या करते हैं वो आपका स्केच बनाते हैं आप बैठे हुए हो आपका स्केच उतार देंगे तो वो जो स्केच उतारा जा रहा है वो काम कर रहा है प्लॉटर का और जो कैमरे से सीधा क्लिक करके आपको दे देता है वो हो रहा है काम प्रिंटर का दोनों में समझ में आ गया अंतर ओके अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाँ जी देखो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आप देखोगे पूछा है मैंने भाई यहाँ पे आंसर भी आ रहा है सुमित जी बिल्कुल रैमिंग टू रेंट बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहां पे ओके ओके देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल रैमिंग टू रैमिंग रेंट याद रखना इसके इन्वेंटर थे इसके इन्वेंटर कौन थे तो उनका नाम था रेमिंगटन रेंड क्या नाम था रैमिंगटन रेंड इनका क्या नाम था तो रेमिंगटन रेंड इनका नाम था और कब इन्होंने प्लॉटर का आविष्कार किया था तो बिल्कुल सही 1953 में प्लॉटर का इन्वेंशन हुआ था ठीक है उन्नीस में 1953 में इन्वेंशन हुआ था प्लॉटर का और प्लॉटर का इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति थे रैमिंगटन टन कैसे याद रखोगे इन्हें रैमिंगटन टोन टोन उनकी ट्रिन ट्रिन आवाज़ आती थी ठीक है एक टोन थी ऐसे करके याद रख सकते हो या फिर और कैसे याद रख सकते हो तो भाई जैसे भी आपको याद हो वैसे भी कर सकते हैं ठीक है लैंड से रेंट को याद रख सकते हो ठीक है चलो तो लैंड की क्या बनाई उन्होंने एक प्लॉट था तो उस लैंड का उन्होंने बनाया एक ग्राफ तो से रेंट ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हो क्लियर हां जी याद रखना यहां पे 1953 ये जरूर याद रखना ईयर इसका ईयर पूछ लेता है दोनों में अंतर समझ में आया ना यहाँ पे जो प्लॉटर होता है वो भी आउटपुट है प्रिंटर भी आउट आउटपुट है लेकिन ये ग्राफिक्स और स्केच के लिए इसका काम होता है अगर स्केच के लिए या फिर अगर मैं बात करती हूँ ग्राफिक्स की तो हम इस्तेमाल करते हैं किसका प्लॉटर का अदरवाइज प्रिंटर तो बेस्ट है आगे चले आगे अब आप कि नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस आता है यहां पे इसके बाद स्पीकर इस ओके एक मिनट इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट डिवाइस स्पीकर तो यहां पे आपको एक चित्र दिख रहा है स्पीकर का स्पीकर हम सब इस्तेमाल करते हैं ठीक है स्पीकर का हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं चाहे आपके पास स्पीकर अलग से हो या ना हो आपके पास फ़ोन है ना फोन को क्या होता है भाई कई बार हम फोन को स्पीकर पे डाल देते हैं स्पीकर पे बात करते हैं या कोई गाना सुन रहे हो तो गाना जहां से निकल रहा है आपके फ़ोन के जो डिवाइस के थ्रू होकर जा रहा है वो भी स्पीकर होता है तो स्पीकर चाहे हम अलग से खरीदें या ना खरीदें वो इनबिल्ट हमारे फ़ोन के अंदर लैपटॉप के अंदर या फिर हमारे सिस्टम के अंदर होता ही होता है ठीक है तो स्पीकर क्या कर रहा है तो ये जो ध्वनि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल सेव है आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल सेव है वो स्पीकर के माध्यम से बाहर की तरफ आ रही है है ना तो यहां पे क्या हो रहा है कंप्यूटर के अंदर का डेटा स्पीकर के माध्यम से कंप्यूटर के बाहर जा रहा है तो आउट हो रहा है ना तो स्पीकर भी आपका एक आउटपुट तो प्यारे प्यारे डिवाइस होता है या स्कूल के टाइम स्कूल में जब स्टार्टिंग में आ, क्या होती थी हमारी प्रेयर होती थी तो वहां पर स्पीकर होता था लाउड स्पीकर उसे बोलते थे वो कुछ इस तरीके का दिखता था ना लाउड स्पीकर होता था और जो प्रिंसिपल होते थे या टीचर होते थे थे उनके हाथ में माइक्रोफोन होता होता था या होता था या माइक तो तो वो बोलते थे तो उनकी आवाज स्पीकर से बहुत दूर कम ज्यादा कर सकते हैं ठीक है तो लाउड स्पीकर था, तो तो था यही इसका जनक माना जाता है और इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे तो बिल्कुल कौन थे इसको बनाने वाले व्यक्ति हाँ जी इसको बनाने वाली व्यक्ति कौन थी लिब्रे ऑफिस कब पढ़ाओगी हिमेंद्र जी अभी देखो हम सिस्टमेटिक वे से चल रहे हैं लिब्रे ऑफिस नहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है आप लोगों के सिलेबस में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस 90 परसेंट सेम है जहां पे डिफरेंस आएगा मैं बता दूंगी जब पढ़ाऊंगी अभी नहीं अभी तो मेमोरी चलनी है रैम रोम चलना है चलो तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं मैं कह रही थी किसने इन्वेंट किया था स्पीकर को तो बिल्कुल अलेक्जेंडर ग्रहवेल बेल ने किया था तो इसको इन्वेंट करने वाली व्यक्ति कौन थे मिनट ठीक है इसको इन्वेंट करने वाली व्यक्ति कौन थे तो इसको पे आप ये इन्वेंटेड इन्वेंट तो इन्वेंट इन्वेंट क्या, क्या किया था इन्होंने किया था स्पीकर को अच्छा बेल से आपको कुछ याद आया ठीक है यहां पे मैं लिख रही हूँ दोनों में अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अच्छा यहाँ पे आपको ग्राहम बेल से कुछ याद आया तो ग्राहम बेल की ही याद में जो अमेरिका में ए टी एन टी लैब बना है जब हमने जनरेशन पढ़ी थी तो याद है ना ए टी एन टी लैब के बारे में पढ़ा था एटी एन टी लैब जो कि अमेरिका में है जिसमें सी लैंग्वेज बनी जिसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना जिसके अंदर कंप्यूटर के बहुत सारे विकास और डेवलपमेंट होते ही रहते हैं ठीक है तो ये उन्हीं सो छिहत्तर एटीन सेवनटी सिक्स तो एटीन सेवनटी सिक्स में लाउड स्पीकर का निर्माण हुआ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा और आगे चलकर ये स्पीकर का फॉर्म ले लेता है स्पीकर काम किस पे करता है कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है? हाँ जी स्पीकर कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है है ये बताना है आपको ठीक है अच्छा मैं कौन से स्कूल से पढ़ी थी छोड़ो उसमें क्या रखा है ना सबका स्कूल सबसे अच्छा होता है देखो अगर मैं बात करती स्पीकर की तो स्पीकर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है स्पीकर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है ठीक है अगर आप ये जो स्पीकर होता है इसको खोल कर देखोगे स्पीकर होता है आपके पास अगर आप स्पीकर इस को इसको चप्पू से काट कर खोल कर देखोगे तो इसके ऊपर एक तो कॉइल होता है मतलब इसके ऊपर तार लिपटा हुआ होता है जो कि इलेक्ट्रो फील्ड वाला काम करेगा मतलब जैसे उस तार पे आप बिजली को इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करोगे वो मैग्नेट बन जाता है और नीचे उसके चुंबक होता है तो यहां पर आपको पता होगा देखो आपने कभी देखा है जो ये जब गाने सुनते हैं तो स्पीकर ये ऊपर ऊपर करता है ना धक धक ऐसे करके ये गाना बजता है अच्छा ये ऐसे क्यों उठता है हाँ, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा स्पीकर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है और ये ऊपर इसलिए उठता है क्योंकि यहां पर जो चुंबक लगा है और जो तार लगी है दोनों के सेम पोल होते हैं मतलब साउथ पोल साउथ पोल और जब भी चुंबक के सेम पोल को आप आपस में टच करोगे वो कभी टच नहीं होते चिपकते नहीं है वो दूर भागते हैं है ना अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चिपक जाते हैं लेकिन जो सेम फील्ड के अगर आप देखोगे या तो नॉर्थ पोल करो या साउथ पोल दोनों दूर भागेंगे तो वही चीजें से दोनों दूर भागते हैं तो वो बार बार नीचे आता है वो नीचे वाला दोबारा से करंट पास करता है और ये ऊपर नीचे होता चला जाता है क्लियर तो याद रख रहा ये मैग्नेटिक फील्ड पे ही काम करता है 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इन्वेंट किया गया लाउड स्पीकर क्लियर चलो आगे देखिए यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल वेव की वजह से बिल्कुल सही चलिए आगे देखते हैं तो नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका हेडफोन इसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट आपका आता है आउटपुट डिवाइस हेडफोन तो हेडफोन का इस्तेमाल अब तो हम सभी लोग कर रहे हैं नॉर्मली हेडफोन का इस्तेमाल भाई बाहर घूमने जा रहे हो तो हेडफोन लगा लिया ठीक है तो लेकिन पहले के टाइम पे अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे कॉल सेंटर होते हैं ना बीपीओ वगैरह होते हैं जैसे कि एयरटेल की सिम वगैरह होती है तो आप कॉल करते हो ना कॉल सेंटर पर कि भाई मेरी सिम नहीं चल रही है या लैपटॉप है आपके पास लिनोवो या किसी भी कंपनी का तो आप कॉल करते हो कि इसमें ये गड़बड़ आ गई है वारंटी में आके ठीक कर दो तो ये सब चीजें

हेडफोन जो है आपका इसके आविष्कारक कौन थे हेडफोन के आविष्कारक कौन थे किसने आविष्कार किया था हेडफोन का हां जी बताने भाई हेडफोन का इन्वेंशन किसने किया था तो हेडफोन को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था तो उनका नाम था नेथेलियन बेल्डविन क्या नाम था नेथेलियन इनका नाम था नेथेलियन नेथेलियन बेल्डविन नेथेलियन बेल्डविन ठीक है बस याद रखना इनका नाम क्या था ये एक ही व्यक्ति है ठीक है इनका नाम था निथेलियन निथेलियन बेल्ड क्या है तो बेल्ड बेल्ड विन ये इनका नाम था इन्होंने क्या किया था तो इन्होंने ही अविष्कार किया था हेडफोन का 19

ओके okay, वो डॉगी नहीं आउटपुट डिवाइस है, है, है।, है? मतलब, मतलब है, है, है। क्योंकि आप गाने सुनते हो तो उस गाने को आपके हेडफोन से कनेक्ट करके आपको सुनाया जाता है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक वेव का ही इस्तेमाल होता है यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रो फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ओके बस ये याद रखना हेडफोन को एनालॉग ऑडियो पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है जो क्वेश्चन अगर बन जाएगा इसमें तो ये बन सकता है कि हेडफोन को कौन से पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है ठीक है तो याद रखना हेडफोन को एनालॉग ऑडियो पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है हेडफोन को एनालॉग ऑडियो ठीक है ऑडियो पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है तो ये एनालॉग पोर्ट होता है एनालॉग पोर्ट होता है आपके सिस्टम के अंदर और एनालॉग पोर्ट से ही इसी को क्या करते हैं हम कनेक्ट करते हैं ठीक है थीके? तब आवाज इसमें आनी शुरू हो जाती है इसमें कोई तार तो होता नहीं वही कनेक्शन होता है आपका वायरलेस होता है ब्लूटूथ होता है ब्लूटूथ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और जहां पर भी वो गाने सुन सकते हो इलेक्ट्रिक वेव्स के द्वारा क्लियर चलो आया समझ में आप पे ओके okay. चलो आगे हम देखते हैं तो ये चीज क्लियर हो गई ना आप लोगों की तो अब आपको आविष्कारक पता है और ये भी पता है कि भाई आपका ये क्या होता है ये आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है तो यहां पे तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट मतलब आउटपुट डिवाइस आपके कंप्लीट हो चुके हैं अब हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ठीक है हाँ जी ओके okay, देखो अब हम क्या करने वाले हैं हैं अब हम करने वाले कौन कौन से क्वेश्चन का आपको आंसर देना है जल्दी से एक एक करके देखते हैं फटाफट किसका आंसर आता है और कितने स्टूडेंट्स ने थोड़ा सीरियस होके पढ़ना शुरू किया है ठीक है चलो तो स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को एक मिनट रुकना मैं नेक्स्ट बीपीटी ओपन कर लेती हूँ ओके okay, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज को फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन <coughs> दिख रहा है चलिए क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे इनमें से कौन सा प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन को छापता है और जिसने करा ना गलत फिर मैं बताती हूँ ठीक है चलिए बताइए जल्दी से भाई विच ऑफ दीज प्रिंटर्स प्रिंट दी एंटायर लाइन एक बार में पूरी की पूरी लाइन छापने वाली क्षमता वाला कौन सा प्रिंटर होता है ऑप्शन आपके सामने है लेजर प्रिंटर जेट प्रिंटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर या लाइन प्रिंटर क्लियर क्वेश्चन नंबर के लिए जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल होती है प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है सुमित जी थैंक यू सो मच प्रॉब्लम होती है क्यों नहीं होती भाई प्रॉब्लम पे होती है है ना हेडफोन अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे या ईयरफोन भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना भाई बात करते हैं या गाने सुनते हैं ज्यादा सुनोगे ना तो सुनने की क्षमता कम हो जाती है है ना तो ज्यादा नहीं लगाया जाता आप स्पीकर पे करके सुनो वो ज्यादा अच्छा रहेगा

प्रिंटर लिखा है और एक तरफ लाइन प्रिंटर लिखा है तो भी आप आंसर लाइन प्रिंटर पे ही लगाओगे अब आप कहोगे कि मैम लेजर प्रिंटर क्यों नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ लेजर प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर ये दोनों एक बार में पूरा पेज छापते हैं ना कि लाइन ठीक है तो लिख लेना यहाँ पे जहां पे भी आप लोग लिख रहे हो कि जो लेजर प्रिंटर होता है और जो इंक जेट प्रिंटर होता है ये दोनों के दोनों आपके पेज प्रिंटर होते हैं ये दोनों के दोनों कैसे प्रिंटर होते हैं तो ये दोनों के के दोनों आपके पेज पेज प्रिंटर प्रिंटर होते हैं हैं एक बार में पूरा छापते ना कि लाइन 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 ठीक है लिए वाले होंगे ओके चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से चेंज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं इतना टाइम काफी है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दे रखा है तो यहाँ पे पूछा है माइक्रोफोन का आविष्कार किस सन में हुआ था माइक्रोफोन वॉज इन्वेंटेड इन विच ईयर कौन से ईयर में हुआ था 1677, 1877, 1879 या फिर 1919. तो यहाँ पे आंसर बताना है भाई जल्दी से और ये भी बता देना कि माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे अच्छा यहाँ पे किसी ने पूछा है अच्छा हमारी मांगे पूरी करो नाम लो देखो अगर मैं नाम लेने बैठी ना फिर क्वेश्चन नहीं होंगे ठीक है और मेरे को भी लगता है और आपको भी लगता है कि भाई क्वेश्चन होने ज्यादा जरूरी हैं देखो डिस्कवरी में और इन्वेंशन में क्या अंतर होता है आपने इसे पूछा था किसी ने खोजकर्ता और आविष्कारक दोनों में क्या अंतर है तो इन्वेंशन का मतलब होता है कोई नई चीज बना देना और डिस्कवरी का मतलब होता है कोई चीज बनी हुई थी बस उसको आपने खोजा है जैसे हड़प्पा वाला नहीं पढ़ा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो जो हड़प्पा थी भाई जब वो ट्रेन की लाइन बिछनी शुरू हुई थी तो हड़प्पा की सभ्यता वो जो पूरी नीचे दब गई थी उसी में से ईंट जो थी निकाल निकाल के उसमें ट्रेन की पटरियों पर बिछाया जा रहा था तब जाके पता चला कि भाई ईंट तो बड़ी मजबूत है तो पता चला कि अच्छा ये हड़प्पा काल की है ठीक है तो वो खोज हुई थी पहले से थी चीज मौजूद उसकी खोज की गई थी वो आपका डिस्कवर कहलाता है ठीक है इन्वेंशन होता है जब आप कोई चीज नई बनाते हो जिसका पहले कोई नामो निशान ही नहीं था आपने खुद से बनाया वो इन्वेंशन होता है यहां पे आंसर 1877 आ रहा है बिल्कुल ठीक और एक बार ये भी तो बता दो किसने इन्वेंशन किया था बिल्कुल सेकंड का ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है कुणाल जी एमएल बर्निन आंसर आ रहा है आपका मानवी जी ओके okay. दीपांक जी बिल्कुल यहां पे आप सभी लोग आंसर कर रहे हो निशा जी तो आंसर बता दूं यहाँ पे माइक्रोफोन किसने बनाया था तो बिल्कुल ठीक है एमिल बर्लिनर ठीक है ये बताया था ना मैंने माइक्रोफोन बनाने वाले कौन से वैज्ञानिक थे तो इनका नाम था एमिल बर्लिनर ठीक है एमिल बर Leiner, कैसे याद किया था हमने तो हम इसको लाइन से भी याद कर सकते थे भाई माइक्रोफोन इन्होंने बनाया था तो जब भी माइक्रोफोन में हम गाना गाएंगे तो लाइन लिखी होनी चाहिए नहीं तो अगर कोई लड़की गा रही है तो लाइनर लगा के गा रही है कैसे भी आप याद रख सकते हो बस चीजें याद होनी चाहिए करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड रखा है वर्तमान में अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है हाँ जी बिल्कुल भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही है अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड वर्तमान में आने वाली अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस इज कौन सी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है मदरबोर्ड सीपी यू की बोर्ड या फिर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सिस्टम यूनिट ठीक है एक बार जल्दी से फिर इसके ऑप्शन पे भी नजर डालेंगे हम लोग ओके okay, हाँ बर्ड बिल्कुल सही आंसर था चलिए अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तो वर्तमान में अधिक प्रयोग में कौन सा इनपुट डिवाइस सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी आना स्टार्ट हो गया है बिल्कुल यहाँ पे आंसर सी आ रहा है जो कि कीबोर्ड है और आंसर आप लोगों का बिल्कुल ठीक है यहाँ पे ऑप्शन सी मतलब की सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे की सबसे सही आंसर है देखो इनपुट डिवाइस क्या होता है जो कि डाटा को बाहर से अंदर की तरफ देता है है ना इन करता है कंप्यूटर के अंदर डालता है। तो जब भी जिस भी डिवाइस के साथ आप डाटा को बाहर से कंप्यूटर के अंदर डालते हो तो वो क्या कहलाता है? कहला है, तो है पहला इनपुट डिवाइस आपका की ही आ जाता है तो फर्स्ट नंबर पर कौन जीतता है हमारा की जीतता है और दूसरे नंबर पर आता है माउस याद रखना ये दो मेन या मुख्य इनपुट डिवाइस हैं और इनमें भी पहले पहले नंबर पे कीबोर्ड दूसरे पे माउस कीबोर्ड कीबोर्ड बताओ जल्दी से कि की कीबोर्ड में टॉगल की कौन कौन सी होती है कीबोर्ड के अंदर टॉगल की कौन कौन सी होती है क्वेश्चन में क्वेश्चन ठीक है जल्दी से बताइए भाई कीबोर्ड के अंदर टॉगल की कौन सी होती है तो टॉगल की कौन सी होती है ऑप्शन नहीं मिलेगा चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी आंसर चाहिए बस हाँ जी बिल्कुल सही भाई क्रिस्टोफर मुझे पता था मैं कीबोर्ड लिखूंगी आप लोग इसका आंसर करने वाले हो कि किसने इसका इन्वेंट किया था इसलिए मैंने वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा चलिए बताइए जल्दी से रिंकी कुमारी जी लाइट लाइट पेन पेन क्या होता है तो लाइट आपका बेटा इनपुट डिवाइस होता है लाइट पेन जिससे आप कुछ लिखते हो बाहर की तरफ और वो चीज कंप्यूटर के अंदर आपको दिखाई देती है ठीक है तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है भाई बताओ जल्दी से एक बार ओके कैप्सलॉक आंसर आया सबसे पहले के के प्रताप जी आपका और यहाँ पे आंसर आ रहा है टू की होती है अविनाश जी बिल्कुल बट कौन सी की होती है हर्ष जी और सुबे नंदू जी ओके okay. तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक टॉगल की की अगर हम बात करते हैं तो मेन टॉगल की दो ही होती हैं ठीक है मेन टॉगल की दो होती है और वो कौन कौन सी होती हैं तो पहली टॉगल की होती है आपकी कैप्स लॉक कौन सी होती है कैप्स लॉक जिससे कैपिटल लिखते हैं और दोबारा दबाओगे तो स्मॉल लेटर में आ जाएगी और दूसरी होती है तो नंबर लॉक अगर आप एक बार प्रेस कर दोगे तो जो वो आपका न्यूमेरिक पैड है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो जो ये लिखा हुआ है ये सब आपका लॉक हो जाता है और नंबर पैड आपका डायरेक्शन की काम करता है जैसे डायरेक्शन करते हैं ना ऊपर नीचे आगे पीछे तो ये डायरेक्शन का काम करता है नंबर पैड अगर नंबर लॉक को आप प्रेस कर देते हो तो और ये दोनों ही टॉगल की हैं ठीक है, है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन नंबर फोर दे रखा है पढ़ना है, बताना है इसका आंसर क्या होगा हाँ जी बिल्कुल टॉगल की मतलब, टॉगल की क्यों बोला जाता है इसे क्योंकि टॉगल का मतलब होता है होती तो एक ही है लेकिन काम उसके दो अलग अलग होते हैं मतलब एक बार ही आपने प्रेस करी तो दूसरा काम कर रही है दोबारा सेम की को प्रेस कर रहे हो तो दूसरा काम कर रही है है ना चलो बताना यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई कैप्स लॉक और नंबर लॉक चलिए क्वेश्चन नंबर फोर दशमलव बिंदु को प्रयोग करने वाला पहला उपकरण कौन सा था द फर्स्ट डिवाइस टू यूज द डेसिमल पॉइंट कौन सा था ठीक है यहां पे बताना है आपको और अगर आप ऑप्शन को तोड़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप ऑप्शन को तोड़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बताना है डिवाइस बता तो हर्ष कुमार जी पेरीफेरल डिवाइसेस आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही होती है मतलब वो सारे उपकरण जिनको आप कंप्यूटर से जोड़कर काम करवा सकते हैं ठीक है चाहे इनपुट का हो चाहे आउटपुट का हो क्लियर ओके तो यहाँ पे आंसर अच्छा कैलकुलेटर होगा एबकस होगा अरे वाह पहली आपकी बिंदु दशमलव देखो पे ए सही होगा जो आपको दे रखा है बोन्स। अब देखना ये कैसे सही होगा आंसर यहाँ पे देखो बेशक अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप ऑप्शन से कैसे तोड़ सकते थे ब्लेज पास कल हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने कैलकुलेटर बनाया था और कैलकुलेटर में सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई इतना ही था मार्क वन हो नहीं सकता ये तो भाई कंप्यूटर था कंप्यूटर की बात थोड़ी ना कर रहा है यहां तो बात हो रहा है दशमलव की उसके बाद यहां पे हम बात करते हैं नहीं हो सकता ये तो पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी इसमें तो सिर्फ एडिशन ही होता था उस टाइम पे तो यहाँ पे बचा कौन सा ऑप्शन नेपियर बोन अब देखो नेपियर बोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेपियर बोन आपका बनाया गया था नेपियर जी के द्वारा ही इनका नाम नेपियर ही था जिन्होंने आविष्कार किया था नेपियर बोन का और ये एक कैलकुलेशन डिवाइस थी ये इस तरीके से थी जैसे अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो ना कि चाइना में कैसे कैलकुलेशन होती है तो चाइना की ट्रिक दिखाते हैं वो लोग वो नेपियर बोन की ट्रिक थी मतलब यहां पर कैलकुलेशन करके इसको ऐसे दिखाया जाता था

टाइम पर ही हुई थी क्लियर अच्छा आया समझ में पे, ओके। okay. अब अब देखो आगे बात करते हैं, तो क्लियर हो गया होगा आपका नेपियर बोन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे, नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा. बताना है. ठीक है. की क्या होगी फॉर्म क्या होगी जल्दी से एक बार वट इज द फुल फॉर्म ऑफ़ एलईडी यहाँ पे ऑप्शन दे रखें आपके स्क्रीन पर एक बार जल्दी से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड्स लिक्विड एमिटिंग डिस्प्ले लेस एमिटिंग डायोड्स या फिर लो एमिशन डिस्प्ले ठीक है तो वॉट इज द फुली और ये इस्तेमाल होती है तो क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन ए आना स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन आ रहा है लाइट एमिटिंग डायोड्स जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है और ये हमने कहां भी पढ़ा था तो ये हमने पढ़ा था जब हमने किसको पढ़ा था मॉनिटर को पढ़ा था है ना तो मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं मॉनिटर आपके होते हैं यहां पे हमने कौन कौन से टाइप पढ़े थे एक पढ़ा था हमने सीआरटी कैथोड ट्यूब दूसरा हमने पढ़ा था एल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और तीसरा हमने पढ़ा था एलई लाइट एमिटिंग डायोड्स एल का ही पार्ट है एलईडी भी और टी एफ टी भी अच्छा टी एफ टी की फुल फॉर्म क्या थी वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ भी तो आपका एक मॉनिटर होता है जो एल सी डी का प्रकार होता है तो टी एफ टी की फुल फॉर्म क्या थी पीडीएफ देखो ये जो क्वेश्चन है ना जो क्वेश्चन में करवा रही हूँ इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी क्योंकि मैंने ये बात पहले ही बोली थी जो मैं नोट्स करवाऊंगी जो नोट्स बनवाऊंगी वो आप खुद बनाऊंगी लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी चाहे एक करवाऊं चाहे दो करवाऊं चाहे, चाहे पांच करवाऊं तो उन क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आप लोगों को जरूर दूंगी इसकी पीडीएफ आप लोगों को हंड्रेड परसेंट मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन करवा रही हूँ पीडीएफ के लिए आपको कैसे सर्च करना है तो भाई आप लोगों ने हमारा एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप तो डाउनलोड कर ही रखा होगा और अगर नहीं कर रखा है तो डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ आप लोग को तो यहीं से मिलेगी और इसी क्लास की नहीं जितनी भी क्लासेज आपकी YouTube पर फ्री होती हैं उन सब की PDF आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से ही मिलेगी तो आपको पहले एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप में जाना है और उसके बाद आप यहां पर सर्च कर सकते हो फॉर ऑल एग्जाम फॉर ऑल एग्जाम या फिर दिल्ली पुलिस ठीक है ठीक है तो यहां पर आपको जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को चुनना और उसके बाद आज की डेट से जो कि है 30 जुलाई आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लियर तो यहाँ पे आने लग गया थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही आंसर है शिवी संदीप स्टडी रोशनी जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग कर रहे हो अवनीश जी पवन जी बिल्कुल सही तो यहाँ पे इसकी टीएफटी की फुल फॉर्म हो जाती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मतलब ऐसे ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगे हुए थे छोटे छोटे जो कि करंट पास करते हैं और फिर स्क्रीन पर हमको पूरी मूवी दिखाई देती है क्लियर अब जल्दी से बता दो मुझे ट्रांजिस्टर कौन से पीढ़ी में आया था ट्रांजिस्टर इन विच जनरेशन हां जी बताना है आपको जल्दी से ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में आया था ट्रांजिस्टर आपकी जो कौन सी पीढ़ी में आया था ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में हुआ था यहाँ पे ऑप्शन ही बिल्कुल सही है तो ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में आया था ट्रांजिस्टर और इसको बनाने वाले जो वो तीन वैज्ञानिक थे ना उन तीनों का नाम भी बता देना अगर बता सको तो ठीक है क्योंकि उनको नोबल प्राइज मिला था इसी चक्कर में उन्होंने ट्रांजिस्टर को बनाया मतलब जो बिजली पहले वैक्यूम ट्यूब का जो इस्तेमाल हो रहा था तो अब वो इस्तेमाल कम हो जाएगा हीटिंग की प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर में बिल्कुल भी नहीं आने वाली तो ट्रांजिस्टर के लिए ऐसी नई तकनीक को खोजने के लिए ऐसी नई तकनीक को बनाने के लिए इनको नोबल प्राइज मिला था तो बिल्कुल दूसरी जनरेशन में आया था वेरी गुड ट्रांजिस्टर आपका सेकेंड जनरेशन में आया था और सेकेंड जनरेशन में किन्होंने बनाया था तो इसको बनाया था बर्डिन ने क्या नाम था तो बर्डिन नाम था एक व्यक्ति का और एक व्यक्ति का नाम था ब्रिटेन है ना ब्रिटेन नाम था और तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम शॉकलेट क्या नाम था विलियम

फॉर ऑल एग्जाम वाला देख लिया करना आप ठीक है फॉर ऑल एग्जाम वाला आप लोग देख लिया करना क्लियर तो वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी कंप्यूटर की भी या फिर जो भी सब्जेक्ट आप लोग देखते हो यूट्यूब पे फ्री पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर अवेलेबल होगी ठीक है बट मेहनत करनी पड़ेगी भाई नोट्स के लिए आप लोगों को ही लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दे रखा है आपको एक मिनट क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको दे रखा है कंप्यूटर और सिस्टम पेरिफेरल्स दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस रिसीवर प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या फिर एनालॉग डिवाइस तो कंप्यूटर या सिस्टम बाह्य उपकरण उपकरणों जो संस्करण या प्रसंस्करण इकाइयों से डेटा को प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है तो उनको क्या कहा जाएगा जो बाहरी तौर पर डेटा को प्राप्त कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस रिसीवर पूर्व मुद्रित दस्तावेज या फिर एनालॉग कंप्यूटर या दस्तावेज तो स्पेशली बी -बी तो तो मैंने इसलिए ट्रिपल सी की करवाई थी वेट करना ये क्वेश्चन का आंसर बता दो फिर बताते हो कैसे छब्बीस जुलाई की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी यहाँ पे आंसर आप लोग आउटपुट डिवाइस कर रहे हो तो बिल्कुल सही है यहाँ पे ऑप्शन ए जब भी बाह्य उपकरण की बात होती है जब भी बात होती है किसकी कंप्यूटर पेरिफेरल दैट रिसीव डाटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा को रिसीव करता है और कंप्यूटर सिस्टम पे किस पेरिफेरल डिवाइस से आपको दिखाएगा तो डाटा को रिसीव कर चुका है मतलब यहाँ पे जो तीन मेन काम होते हैं जिसकी वजह से हम चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पापा जी बोलते हैं मतलब एक तो होता है भैया इनपुट है ना दूसरा होता है इसका प्रोसेस तो पहले डाटा को आप इनपुट करोगे फिर प्रोसेस चलेगा और तीसरा आपको आउटपुट मिल जाएगा तो वही चीज यहाँ पे बोली है प्रोसेस हो चुकी है अब कौन सी पेरीफेयरल डिवाइस की मदद से आपको दिखाया जाए तो यहां पर आंसर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा सिक्स का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और सही सही बताना लास्ट में कि कितने सही हुए आप लोगों के आंसर यहां पर क्लियर चलो क्लियर है हाँ तो यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा आप देखो अगर मैं बात करती हूं रिसीवर की तो रिसीवर का काम क्या होता है रिसीवर की अगर हम बात करते हैं तो रिसीवर आपकी एक एक टेक्नोलॉजी होती होती है, एक होती है, रिसीवर आपकी डिवाइस जो कि डाटा को लेती है और डाटा को एक, में एक तरीके से रजिस्टर की फॉर्म में, में होता है इसने क्या किया हम लोगों से डाटा लिया हम लोग ए और बी में डाटा भेजते हैं और उसके बाद उस डाटा को जीरो और वन में जीरो फिर कंप्यूटर से डाटा लिया जीरो वन में और फिर हम लोगों को हमारी भाषा में डाटा दे दिया मतलब ये जो प्रोसेस कर रहा है सिग्नल का को रिसीव करने का ठीक है ओके चलो क्लियर है क्यूट बच्चा जी अच्छा आप आंसर करें फिर भी नाम नहीं ले रही ऐसे में कि बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं ले पा रही हूं बट कोई नहीं आप लोग जो भी आंसर कर रहे हैं आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने आंसर किया है वो बहुत सही है ठीक है चलो हाँ ए एल के अंदर भी रजिस्टर्स ही होते हैं ये सब जो अलग अलग हम यूनिट पढ़ते हैं ना कि ए एल लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट तो बेसिकली इन सब में छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं जिसमें मेमोरी को स्टोर करके रखा जाता है अस्थायी रूप से याद रखना रिसीवर या रजिस्टर के अंदर जो चीजें स्टोर होंगी वो अस्थाई रूप से स्टोर होती हैं मतलब रूप से स्टोर होती हैं एक बार काम होते के साथ ही इसको हटा दिया जाता है ठीक है चलो आगे देखेंगे आगे इसमें सभी कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे बाकी एनालॉग डिवाइस दे रखा है तो वो तो नॉर्मली है जो आपकी भाषा को जीरो वन में कन्वर्ट कर दे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर सेवन पर अच्छे से और इसका आंसर देना है मैगजीन न्यूज़पेपर, किताबें छापने के लिए इनमें से कौन से प्रिंटर की मदद ली जाती है ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर ऑप्शन बी है चैन प्रिंटर ऑप्शन सी है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रिंटर या ऑप्शन डी है इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रिंटर क्लियर तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हाँ जी बिल्कुल सही ठीक है बिल्कुल सही एएल और सी यू में क्या होता है तो यहां पे बताऊंगी अवनीश जी इसके जस्ट बाद वही टॉपिक चलेगा आपका मेमोरी तब हम वो चीजों को और अच्छे से क्लियर करेंगे ठीक है अभी वो टॉपिक नहीं है वरना फिर दोनों टॉपिक में क्या हो जाएगा ठीक है उसको पढ़ेंगे हम इसके बाद वही टॉपिक हमारा आगे चलेगा चलिए बताइए एक बार जल्दी से तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए आप लोग आंसर कर रहे हो ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन सी आ रहा है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करती हूँ सेवन की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी में और सी में ज्यादातर आपकी कंफ्यूजन हो रही है तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा स्टैटिक प्रिंटर जो कि ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो कि चीजों को छापता है और इसी से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर की मदद से ही आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें चीजों को दिखाया जाता है या कर वो आपको मिलता है ठीक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर होगा मैग्नेटिक प्रिंटर तो पेज को अगर बहुत बड़ी बड़ी हमें नॉर्मली अगर पेज की प्रिंटिंग करनी है अगर आपको दे दिया जाए कि सबसे ज्यादा क्षमता वाला ढाई पेज को प्रति मिनट छाप देता है पढ़ा था ना कल ढाई पेज को प्रति मिनट छापने वाला वाला, सबसे ज्यादा अधिक क्षमता वाला कौन सा प्रिंटर होता है तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होता है ठीक है तब आप बताओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होगा कंफ्यूज मत होना दोनों में कंफ्यूज मत होना ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर होता है ठीक है अच्छा थर्मल प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एक बार जल्दी से बताइए जो थर्मल प्रिंटर होता है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है सबसे ज्यादा तो थर्मल प्रिंटर का यूज थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है जल्दी से एक बार आंसर करना है हाँ जी यहाँ पे सेवन का बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका ऑप्शन डी सही होगा अच्छा ए नहीं होगा भाई यहाँ पे बात कर रहा है वो न्यूज़पेपर की जो न्यूज़पेपर आप सुबह-सुबह पढ़ते हैं उठ के तो वो न्यूज़पेपर जो छपता है वो इसी से छपता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर से आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर जो होता है उसके साइड में न्यूज़पेपर के साइड में ये चार बिंदु बनकर आते हैं और चारों में अलग अलग कलर होता है एक होता है ब्लैक कलर का है ना एक होता है काले रंग का दूसरा होता है आपका पीले रंग का तीसरा होता है आपका लाल रंग का या फिर कलर दे, दे देता है और चौथा होता है आपके नीले रंग का तो, तो ये जो चार कलर होते चार कलर कलर होते होते हैं क्यों न्यूज पेपर में क्योंकि जो प्रिंट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर इसके अंदर ये चार ही कार्टेज होती है चार ही बॉटल होती है और उसी को प्रिंट करके बनाया जाता है बेसिकली आपके एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कलर के लिए कौन से

याद रखना जो आपका ये थर्मल प्रिंटर है इसके अंदर जो पेज होता है वो अलग होता है वो वैक्स कोटेड होता है जो पेज होता है इसके अंदर उस पेज पे मोम चिपकी होती है वैक्स की कोट होती है तभी ये काम करेगा नॉर्मल पेज पे ये छपता नहीं है इसके लिए अलग पेज चाहिए वैक्स कोट वाला क्लियर चलिए आगे चले यहां पे इंटरनेट वाली क्लास कब होगी तो इंटरनेट वाली क्लास आपकी 2 बजे से होती है ठीक है वो IBPS RRB PO के लिए है इंटरनेट आपके सिलेबस में भी चलेगा बट अभी टाइम है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर एट पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर एट के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सही यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई वैक्स कोटेड याद रखना ठीक है तो मोम वाला पेज होता है और मोम वाले पेज की मदद से ही उस पर थर्मल प्रिंटर अपने डाटा को प्रिंट कर पाता है क्वेश्चन नंबर एट आपको क्या दे रखा है तो क्वेश्चन नंबर एट में है कंप्यूटर और सिस्टम पैरिफेरल दैट रिसीव डेटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट आर कॉल्ड कंप्यूटर या सिस्टम अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया भाई ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने किया था ये तो क्वेश्चन तो लग चुका है तो बताना है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आप लोगों का इसकी जगह चलो एक क्वेश्चन लिख कर बता दूंगी ठीक है कोई बात नहीं इसकी जगह लिख कर दे दूंगी हाँ जी ये क्वेश्चन रिपीट है बिल्कुल पता चल गया मुझे चलो बताओ एक बार जल्दी से तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी हमने पढ़ा था इसका आंसर आउटपुट डिवाइस होगा ठीक है ये रिपीट क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं भाई एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है चलो जल्दी से अभी एक और क्वेश्चन है जो कि मैं बताती हूँ आप लोगों को कहाँ लिखो इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट स्क्रीन पर लिखती हूँ ठीक है यहाँ पे जगह है यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो हमारा मॉनिटर होता है वो रंगों के आधार पर कितने पार्ट में बटा होता है जो हमारा मॉनिटर होता है वो रंगों के आधार पे रंगों के आधार पे कितने पार्ट में बटा होता है मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कलर ठीक है कलर के बेस पे यहाँ पे लिख लेना ऑन द बेसिस ऑफ कलर कलर के बेस बेस के हिसाब से आपको बताना है जो आपका प्रिंटर होता है सॉरी जो आपका मॉनिटर होता है वो कितने पार्ट में या कितने भागों में विभाजित होता है तो यहाँ पे आंसर तीन आना स्टार्ट हो गया है ओके okay, यहां पे आंसर आप लोगों का थ्री आ रहा है बाई थ्री ओके okay, और वो तीन कौन कौन से भाई बता दीजिए ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ठीक है वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमने क्वेश्चन को राइट लिख चुके हैं हम चलो देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो मॉनिटर आपका तीन आ रहा है बिल्कुल सही है लेकिन नॉर्मली हम इसको दो पार्ट में ही समझते हैं ठीक है ओके रेड ग्रीन ब्लू वो वाला बोल रहे हो हाँ वो तो है वो तो ओरिजिनल कलर ही है ठीक है बाकी अगर मैं मॉनिटर की बात करती हूँ तो एक आता है आपका मोनोक्रोम मॉनिटर एक होता है आपका मोनोक्रोम मॉनिटर इसको लिखिएगा हिंदी में भी इसको हम बोलते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर दूसरा मॉनिटर होता है आपका कलरफुल मॉनिटर दूसरा होता है कलरफुल मॉनिटर ठीक है इसको हम बोलेंगे रंगीन मॉनिटर और कलरफुल मॉनिटर का ही पार्ट होता है ग्रे मॉनिटर कलरफुल मॉनिटर का ही पार्ट होता है ग्रे मॉनिटर तो पे देखो एक बार तो ये आपका मोनोक्रोम मॉनिटर रंगीन में ग्रे मॉनिटर और आर रंगीन के अंदर दो आते हैं पहला आता है ग्रे मॉनिटर और दूसरा आता है जिसके अंदर सारे कलर होते हैं मतलब तीनों होंगे आर रेड ग्रीन ब्लू क्लियर तो ये तीनों होते हैं बस इतना याद रखना ये तीन होंगे देखो अगर हम बात करते हैं मोनोक्रोम की तो मोनो मतलब होता है अकेला मोनो का शब्द ये इंग्लिश का इसका मतलब होता है एक और क्रोम का मतलब होता है कलर मतलब एक कलर वाला मॉनिटर आपका मोनोक्रोम कहलाता है तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई जिसके अंदर सिर्फ एक ही कलर हो तो वो आपका मोनोक्रोम मॉनिटर होगा ठीक है याद रखना है इस चीज को मोनोक्रोम एक कलर वाला तो बैकग्राउंड इसका एक दूसरे कलर का होता है और लिखी हुई चीजें सिर्फ एक ही कलर की आएंगी जैसे अगर आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लो तो उसके अंदर आपको दिखेगा ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है बैकग्राउंड होता है और जो भी चीजें आप लिखोगे व्हाइट कलर से लिखी जाएगी तो वो स्क्रीन आपकी मोनोक्रोम है क्लियर और बाकी हम देखेंगे ग्रे स्केल वाले में तो ग्रे स्केल में ब्लैक कलर होता है वाइट कलर होता है और दोनों का मिक्सअप भी होता है ग्रे कलर वहीं से निकल कर आता है तो ये तो खैर अब यूज़ नहीं होते यूज हो रहे हैं आजकल हमारे आर जी बी वाले मतलब रेड ग्रीन ब्लू ये मेन कलर होते हैं ठीक है कौन से होंगे तो ये रेड ग्रीन ब्लू ये इसके मेन कलर होते हैं ठीक है चलो तो यहां पे आपका ये जो सेशन है ये होता है आपका कंप्लीट ठीक तो है तो कल से हम चलेंगे मेमोरी की तरफ कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और उसके बारे में जानेंगे बट उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को 26 जुलाई वाली पीडीएफ कहां से मिलेगी ठीक है तो 26 जुलाई की अगर मैं बात करती हूं 26 जुलाई की पीडीएफ आप लोगों को कहां से मिलेगी तो आप लोगों को जाना है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे 26 जुलाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने यहाँ पे हंड्रेड क्वेश्चंस करवाई थी सौ क्वेश्चन करवाई थी हाँ कुछ बच्चे लाइव आए थे और तो कुछ बच्चे लाइव आए नहीं थे हाँ जी बिल्कुल फुगाकू है फुगाकु है वो सुपर कंप्यूटर फूफा जी याद रख लो जापान के फूफा जी तो फुगाकू जापान का रिलीज हुआ है अभी सुपर कंप्यूटर तो एग्जामपुर आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर जाना है और उसके बाद आप लोगों को जाना है यूट्यूब फ्री पी डी एफ कहाँ पे तो यूट्यूब फ्री पी डी एफ इस वाले ऑप्शन पे जाना और इसके बाद आप लोग कहाँ पे जाओगे तो इसके बाद आप लोग ओपन करना फॉर ऑल एग्जाम वाला सेक्शन और फॉर ऑल एग्जाम में आप लोग जाना कंप्यूटर वाले सेक्शन में और कंप्यूटर पे जब आप जाओगे ना आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहां पे डेट लिखा होगा 26 जुलाई उससे आपके टॉप 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो यही है ऐसे ही आप लोगों को क्या मिलने वाला है पीडीएफ मिलेगी बाकी आपको मैं क्वेश्चन दे देती हूँ भाई अपलोड है मैंने खुद चेक करी है अपलोड है इसलिए मैं बोल रही हूँ हाँ जी अपलोड हुई है मैं खुद चेक कर चुकी हूँ विवेक सिंह जी चलिए अच्छा और पढ़ा दूं हाँ और पढ़ाऊंगी कल पढ़ाऊंगी देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ जो कि होमवर्क आप लोग बताओगे मुझे होमवर्क आपका ये है जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कितने टाइप की होती है कंप्यूटर की मेमोरी कितने टाइप की होती है कितने प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी होती है ये आप लोगों का होमवर्क है और बहुत अच्छे से आप लोगों को ये ऑफलाइन कमेंट में बताना है ठीक है चलिए तो भैया आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं आपके कितने नंबर आए तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पूरे में से कितने नंबर आए और सच सच बोलना बाकी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो और होमवर्क जरूर कर देना क्लास को करते हैं हम यहाँ पर एंड मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक एक बजे तो तब तक के लिए और मैं एक बार और बता दूं भाई नोटिफिकेशन दे दूं तो दिल्ली पुलिस का हमारा बैच लॉन्च हो चुका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच लॉन्च हो चुका है डेट आ चुकी है इसकी तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और हर एक क्लास बहुत सुपर डुपर तरीके से चल रही है जो बच्चे पढ़ रहे होंगे आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं पूछ सकते हैं बैच को परचेज़ करने के लिए आप उसको ऑनलाइन हमारी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर जाकर भी परचेज कर सकते हैं बाकी आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं तो कॉलिंग नंबर आपको अभी मिल जाएगा जो पोस्टर लगेगा

तो हम लेकर आए आपके लिए निश्चय यूपीएसआई 2020 बैच इसके लिए डाउनलोड कीजिए हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप या फोन कीजिए हमें निम्नलिखित नंबरों पर